बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ की हलीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने तेल गरम करने रख दिया है। मैं ये प्याज शामिल करूँगी, इसको गोल्डन होने तक के हम फ्राई करेंगे। मेरे पास आधा किलो गोश्त है, जिसके लिए ये मैंने प्याज ली है। तकरीबन मेरे पास तीन बड़ी प्याज थी, ताकि मसाला अच्छे तरीके से बन जाए, तो मैंने ये तीन बड़ी प्याज ले ली हैं। जब तक ये गोल्डन होती है, मैं आगे आपको। हमारी गोल्डन होना शुरू हो गई है, अब मैं इसमें ये गोश्त शामिल कर दूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। 1-2-3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। प्याज को अच्छा गोल्डन करना है, उसको ज़्यादा जलाना नहीं है, वरना आपकी हलीम की शक्ल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो अदरक लहसुन और प्याज के साथ हम गोश्त को भुनेंगे। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, ये मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और चुटकी, थोड़ी सी मोटी चुटकी मैंने लिया है जवित्री, और एक इंच का टुकड़ा लिया है जायफल का। ये मैंने पाउडर बना के रख लिया है, जायफल, जवित्री और ज़ीरे का। ज़ीरे को मैंने भून के पीसा था, ठीक है। साथ ही साथ अब हम इसी में, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगी हलीम मसाले के लिए, ठीक है। देखिए, जायफल, जवित्री, भुना पिसा ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्चें। हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून ली है, लाल मिर्चें मैंने 1 टेबल स्पून ही भर कर लिया है, क्योंकि हरी मिर्चें भी मैंने पीस के रखी हुई हैं। ये मसाला हम शामिल कर देंगे इसमें। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे। मेरे पास हरी मिर्चें हैं पिसी हुई, ये 3 बड़ी हरी मिर्चें लेकर मैंने इनको पीस लिया है। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं हलीम में। आपके पास छोटी मिर्चें हैं तो आप इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने ये 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें लेके इनको मैंने पीस लिया है। ज़रा सा मसाले को हम तेल में फ्राई करेंगे गोश्त के साथ। ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाला तेल में फ्राई हो जाए। पाँच मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन मेरे पास 1/2 पाव दही है, ये मैं पूरा शामिल कर दूँगी, ताकि हमारे पास बहुत मज़ेदार और अच्छा सा हलीम का कोरमा तैयार हो जाए। ये मैंने 1/2 पाव इसमें दही शामिल कर दिया है, ठीक है। अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे पानी शामिल करके गोश्त गल जाने तक के लिए पकाएंगे, और नमक भी शामिल कर देंगे अब हम इसमें। नमक अभी हम गोश्त के हिसाब से शामिल करेंगे, उसके बाद हम फिर दालें जो शामिल करेंगे, फिर हम टेस्ट कर लेंगे। नमक कम हुआ तो फिर हम और नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। भैया जी, मैं इसको कवर करती हूँ, पानी शामिल कर रही हूँ। इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन मैंने इसमें 3 ग्लास शामिल किया है। 3 ग्लास पानी शामिल करने के बाद मैं इसको कवर कर रही हूँ। आगे अल्हम्दुलिल्लाह ये गोश्त बिल्कुल तैयार है हमारा, ठीक है। ये कोरमा बिल्कुल रेडी है, गोश्त गल चुका है। बीच बीच में मैंने चेक किया था, थोड़ी पानी की ज़रूरत थी तो मैंने पानी शामिल कर दिया था। बस अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करके गोश्त को रेशा रेशा करूँगी। आगे आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। नेक्स्ट
स्टेप में ये मेरे पास दालें हैं जिनको मैंने बॉईल करके रख लिया है। अब मैं इसको जो है हैंड बीटर से बीट करूँगी। इसमें कौन कौन सी दालें मैंने ली हैं, इसमें मैंने चने की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल और चावल, इनको मैंने भिगोकर और इनको मैंने बिल्कुल प्लेन कुछ चीज़ नहीं शामिल की, मैंने सिर्फ बॉईल कर लिया है। ठीक है, ये बॉईल हो गए हैं, इनको हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं बीट करूँगी। और साथ साथ मेरे पास ये जौ और गंदम है, ये ओवरनाइट लेता है, लाइक इसको मैंने रात भर सोक करके और देन मैंने इसको बॉईल कर लिया था। ठीक है, ये वाला कप फुल भरकर मैं शामिल करूँगी। ठीक है जी, तो बस मैं इनको हैंड ब्लेंडर में डालकर और इनको मैं बीट करती हूँ, आगे आपको दिखाती हूँ। इनको मैंने मिक्सर में डाल के पीस लिया है। ठीक है, और कोरमे वाली ही जिसमें मैंने कोरमा बनाया था उसी देगची में मैंने शामिल कर दिया है। साथ ही साथ ये मैंने गोश्त को भी थोड़ा सा हैंड मिक्सर में डाल के और उसी के मसाले के साथ मैंने इसको हल्का हल्का सा पीस लिया है। कुछ कुछ थोड़े थोड़े से चंक्स बाकी हैं और बाकी को मैंने पीस लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब हम सब चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे। दो ग्लास पानी शामिल किया है और अब हम इसको पकाएंगे ताकि दालें और मसाला एक जान हो जाए। और इसी तरीके से अब हम चलाते रहेंगे। ये वेरी इंस्टेंट और बड़ी जल्दी बन जाती है हलीम और बड़े मज़े की बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस अब मैं इसको जिस तरह से कहते हैं ना घोटा लगा रहे हैं, मैं उसी तरीके से घोटा लगाती रहूँगी और ये पकती रहेगी। ठीक है, तमाम चीज़ों के साथ, ताकि दालों में और गोश्त का अपना एक जो टेस्ट है वो सारा एक जान हो जाए। ठीक है, इस तरह से मैं पकाती रहूँगी इसको। ठीक है, कोरमे में भी नमक कम शामिल किया था तो नमक मैं शामिल करूँगी क्योंकि नमक कम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट नमक थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ और थोड़ी सी मुझे मिर्चें भी कम लग रही हैं तो मैं लाल मिर्चें शामिल करूँगी। और जैसे इसको बॉईल आता है फिर आपका आगे दिखाते हैं। देखिए इसको बॉईल आ चुका है और ये इस तरह से गाढ़ी हो गई है। ठीक है, लेकिन मुझे अभी और इसको मज़ीद पकाना है तो मैं इसमें दो ग्लास और पानी शामिल करूंगी और मज़ीद इसको पकाऊंगी इसी स्टेज पे आने के लिए, कि ताकि ये मज़ीद गाढ़ी भी हो जाए और तमाम चीज़ों का फ्लेवर एक जान हो जाए। ठीक है, तो मैं मज़ीद इसमें दो ग्लास और पानी शामिल करती हूँ। इसमें दो ग्लास और शामिल किया है पानी, इसको और पकाऊंगी ताकि ये अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें एक फ्लेवर देना शुरू कर दें। ठीक है, और साथ ही साथ अब मैं इसको इसमें जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ और अच्छे तरीके से हम इसको घोटा लगाएंगे। बेसिकली हमने पीस तो ली है लेकिन हम इसको तमाम चीज़ों को एक फॉर्म में लेकर। ठीक है जी, आगे आपको मैंने इसको चलाते हुए जो मैंने दो ग्लास बाद में शामिल किया था पानी, अब ये थिक होने लगी, मैंने प्याज लाल करके अलग कर ली है। प्याज का तेल अब मैं शामिल करूँगी, मज़ीद इसको पकाऊँगी। मज़ीद इसको पकाऊँगी तकरीबन 15 मिनट मैं इसको मज़ीद पकाऊँगी तेल के साथ, ताकि ये एक अच्छा सा टेस्ट दे दे और तेल और तमाम चीज़ें जो हैं वो एक जान होके और थिक सी हमारे पास एक हलीम तैयार हो जाए। मैं इसको पकाती हूँ, आगे आपको देखिए। तेल शामिल करने के बाद तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट गाढ़ा होने तक के लिए पकाया है। इस वक्त ये गाढ़ी हो चुकी है, मैं बस इसको डिश आउट करती हूँ, फाइनल लुक के साथ आपके सामने आती हूँ। ठीक है, फाइनल लुक जी तैयार है हमारी बीफ हलीम। आपको इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।